आजाद सिंह चहल अखिल भारतीय किसान सभा उप प्रधान जीन जिला। देखिए ये 26 नवंबर से लगातार जो आंदोलन किसानों का चला हुआ है इसमें हम लगातार जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से, और टिकरी बॉर्डर से हम परसों ही आए हैं, सिर्फ है 15 दिन ही गांव में आए हैं, बाकी समय हमने टिकरी बॉर्डर पर ही निकाला है। वहाँ पर सरकार ने जो जिस तरह प्रोपगेंडा रचा के तरह तरह की भ्रांतियाँ किसानों के अंदर फैलाई गई हैं, कभी झुड़ियों में आग लगाते हैं, आरएसएस के गुंडे भेजते हैं और बीजेपी के गुंडे आते हैं, हमारी 28 तारीख को भी 7 झुफड़ियाँ वहाँ जो झुग्गियाँ हमने बना रखी थी टेंट लगाए हुए थे उनमें आग लगा के उनको फूंक दिया है, और एक वहाँ खान साहब जो लंगर लगाए हुए हैं चावलों का लंगर लगाया, हम मलेरकोटला के हैं, मुसलमान हैं, जिन भाइयों ने हम मुसलमानों ने हम दुश्मन मानते हैं लेकिन वो हमारे साथी हैं, हमदर्दी हैं, जिन्होंने हजारों आदमियों की जान को बचाया है। दो आदमी 1:30 बजे रात के हमने वहाँ टंकी में जो पानी पीते हैं, एक बहुत बड़ी जनसभा चलती है अग्रहा की, अग्रहा जोगिंदर सिंह अग्रहा है पंजाब के, उनकी जनसभा चलती है पकौड़ा चौक पे, और वहाँ लंगर चला हुआ है पंजाब के इसके दिल्ली का गुरुद्वारा ने जो लंगर लगाया हुआ है, बहुत बड़ा लंगर लगाया है, वहाँ पर पानी की टंकियाँ लगाई हुई हैं, जो आर ओ भी है और फ्रीजर भी लगा हुआ है, ठंडा पानी पिलाते हैं, हजारों आदमी वहाँ पानी पीते हैं, लेकिन दो गुंडे वहाँ भेज के, एक 13 सेक्टर का भादरगढ़ का और एक सराय गांव का, दो गुंडे भेज के वहाँ उनने जहर डलवा दिया टंकियों के अंदर। इतना बड़ा घिनौना इस सरकार ने जो षड्यंत्र रचा हरि आंदोलन को के सब जनता को मारने का, इस सरकार ने एक प्रोपगेंडा पैरवी करवाई हमने उठा के ने वो उनको नीचे उतारा और पुलिस को भी बुलवाया, सैंपल भी भरवाए मेडिकल के अंदर, भादरगढ़ के मेडिकल के अंदर सैंपल भी भरवाए और उन गुंडों को भी पकड़ा, उन्हें कुटा भी हमने, उन्हें गिरफ्तार हो गए, हाँ गिरफ्तार करवाए, लेकिन पुलिस बचा के लेगी उनको, अगर भाई ये तो किसान इनको मार देंगे। अब सरकार किराए के गुंडे भेजती है, किसी को किसी बहाने उसको किसान आंदोलन को कुचला जाए, लेकिन ये आंदोलन कुचला नहीं जाएगा। सरकार ने तरह तरह के प्रोपगेंडर्स आए हैं, 26 जनवरी को भी उनने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत किसानों का अपमान किया गया है, इस तरह जो आप कह रहे हैं कि पीने के पानी में जहर मिला दिया गया या झोपड़ियों को जला दिया गया, तो इस तरह की घटनाएं ना हो इससे बचने के लिए, बचाव के लिए आप लोग क्या, इससे बचाव के लिए हमने खुद अपना एक कमेटी को गठन किया है और रात को हम ठिकरी पहरा देते हैं, हर झुग्गी के साथ एक किसान को जागना होगा, अगर ये किसान नहीं जागेगा तो हमने एक टीम भेजी है, टीम हम टिकरी बॉर्डर से लेकर किसान चौक लास्ट में पड़ता है किसान चौक तक हम रात को टिकरी पहरा करते हैं, ठिकरी पहरा अपना बचाओ ही ठिकरी पहरा है, कोई भी गुंडा आता है सरकारी शरारती तत्व आता है हम पुलिस के हवाले कर देते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई कि पीने की पानी के टंकी में जहर मिला दिया गया, आपने उसके सैंपल भी दिलवा दिए, गिरफ्तारी भी हो गई, फिर भी उसके बाद कोई भी सरकार ने उसका जवाब नहीं दिया, अब भैया आइंदा से ऐसा काम ना होगा, हम इनको सजा देंगे। बहादुरगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या, बहादुरगढ़ पुलिस प्रशासन ऐसा घटिया प्रशासन है जो कि करता कुछ है कहता कुछ है, हमने यहाँ टिवाणा में जो विरोध किया गया था उसके अंदर हमने वहाँ रोड को जाम कर दिया, एसपी और ये क्या नाम एसडीएम दोनों रात को हमने उसको रोड को जाम किया, इसके विरोध में कि हमारे आदमी क्यों गिरफ्तार किए गए, उसके विरोध में हमने रोड को जाम किया, इतना पुलिस प्रशासन वहाँ आ गया, हमने ये बताया कि यहाँ रात को शरारती तत्व भी हो सकते हैं आपके अंदर, जो आपने यहाँ प्रशासन को इतना इकट्ठा कर दिया है, कोई भी घटना घट जाए इसके अंदर एसडीएम और डीएसपी यहाँ के जिम्मेवार होंगे, क्योंकि रात का समय है, कोई भी शरारत कर सकता है, शरारती तत्व भी आते हैं हमारे अंदर, क्योंकि हमारा आंदोलन ख़त्म करवाने के लिए इन तरह तरह के षड्यंत्र रचाए गए। आपका नाम? आजाद सिंह चहल, गांव दरियावाड़ा, अखिल भारतीय किसान सभा उप प्रधान जीन जिला।